गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको लेसन एट टाइम, आज हम लेसन एट में टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग अपने घड़ी में किस तरह से टाइम शेयर करते हैं और घड़ी में टाइम देख करके घंटा सुई को देख करके हम घंटा की पता करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हम घड़ी के बारे में पढ़ेंगे कि हम टाइम कैसे देखते हैं और वॉच में कितने हैंड होते हैं और कौन से हैंड जो है वह घंटा बताता है और कौन से हैंड्स जो है वह मिनट बताता है। ओके स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि सभी के घर में एक घड़ी होती है जिसमें दो ही सुई होते हैं, उसमें दो सुई, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। अब ये दोनों सुई का क्या फंक्शन है वो आज हम इसमें पढ़ेंगे और पता करेंगे। एक क्लॉक फेस हैज मार्किंग फोर आवर्स एंड मिनट्स, क्या कर रहा है, एक क्लॉक जो है वह बताता है, क्या बताता है, आवर और मिनट बताता है। द मार्किंग्स विथ नंबर 1 to 12, और हम सभी जानते हैं कि हमारे घड़ी में 1 से लेकर 12 तक का अंक लिखा हुआ रहता है और फोर आवर मार्किंग वह हमारा घंटा बताता है। द स्मॉलर मार्किंग बिटवीन 2 आवर्स मार्किंग आर द मिनट्स मार्किंग, और इस तरह से हमारे जो है वह आवर और मिनट्स का टाइम बताता है। एक क्लॉक फेस हैज टू हैंड, एक घड़ी में आप देखते होंगे कि दो हैंड्स होते हैं। द स्मॉल हैंड इज द आवर हैंड एंड द लार्ज हैंड इन द मिनट हैंड, हम जैसा कि पहले ही बताएं उसमें दो ही सुई होती है, एक छोटी सुई जो हमारा घंटा बताता है और दूसरी सुई लॉन्ग होता है जो हमको मिनट बताता है। टाइम इज रीड इज आवर एंड मिनट्स, और इस तरह से हम मिनट्स और घंटा का रीड करते हैं, टाइम समय देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द आवर्स हैंड इज एट 5 एंड द मिनट्स हैंड इज एट 12, वी राइट 5 or 5 o'clock, कह रहा है 5 एंड द मिनट हैंड इज एट 12, यानी कह रहा है कि जब हमारा एक सुई 5 पर होता है और मिनट की सुई 12 पर होती है तो हम पूरे पक्की उस समय समझ में आता है मुझे कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो हम उसको 5 o'clock लिखते हैं। समझ में आ गया कि जब छोटी सुई जो है वह 5 पर होगी और बड़ी सुई 12 पर होगी, इट मीन्स कि यहाँ पे पूरे पूरी क्या हो गया, 5 o'clock हो गया, यानी कि घड़ी में 5 बज रहा है। इस तरह से छोटी सुई अगर 8 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, छोटी सुई 2 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, छोटी सुई 9 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो इस तरह से हम खुद समझ में आ जाएगा कि छोटी सी जहाँ है उतना घंटा घड़ी में हो रहा है। तो आप देखेंगे आई वेक अप डैश क्लॉक इन द मॉर्निंग, हम जो है सुबह में उठते हैं कितने बजे, तो आपको 6 o'clock लिखिए, 5 o'clock लिखिए। आई रीच स्कूल एट और 8 o'clock, आप स्कूल कितने बजे पहुँचते हैं, तो मैंने 8 लिखा है, आपकी जब स्कूल टाइमिंग जो होगी आप यहाँ भरेंगे। आई रीच होम एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, और हम लोग 2 बजे स्कूल से वापस अपने घर आते हैं। आई गो टू बेड एट डैश 0 o'clock एट नाइट, और रात में हम लोग बेड पर कितने बजे जाते हैं, 9 बजे जाते हैं। तो ये मेरा आज का घड़ी का हो गया, जो छोटी सुई कहाँ होती है और बड़ी सुई कहाँ होती है, तो हमारे घड़ी में कितने बजते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं आगे का पार्ट कल पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट।